73वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, भवनों के साथ निजी कार्यालयों और विद्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने अपने आवास और कार्यालय में तो जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन मैदान और कार्यालय में ध्वजारोहण कर कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी। वहीं नगर परिषद, कांग्रेस कार्यालय, समधड़ी, धोरी मन्ना सहित जिले भर में कई जगहों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाड़मेर जिले में 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस को लेकर सरकारी आवासों, कार्यालयों एवं राजनीतिक कार्यालयों में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। ध्वजारोहण के कार्यक्रम की कड़ी में जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने अपने आवास पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज की सलामी ली। इसके बाद जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव अपने कार्यालय पहुंचकर ध्वजारोहण कर तिरंगे की सलामी ली और यहां राष्ट्रगान का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर ने उपस्थित जनों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं कलेक्टर परिसर में विभिन्न शाखाओं के कार्मिकों का एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने के साथ बधाई दी। इसी तरह जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज की सलामी ली। इस दौरान राष्ट्रगान का आयोजन के बाद जिला पुलिस अधीक्षक भार्गव ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दर्पण सिंह समेत अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों और जवानों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। वहीं उपस्थित पुलिस कर्मियों ने भी एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इसी कड़ी में स्टेशन रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन और जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, नगर परिषद सभापति दिलीप माली समेत कांग्रेसजनों ने राष्ट्रगान का गायन कर एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी। कांग्रेस कार्यालय में आयोजन ध्वजारोहण के दौरान बोलते हुए बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसकी 73वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी वर्गों के साथ लेकर देश को कैसे एकजुट और मजबूत बनाएं, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। इस दौरान जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी और सभापति दिलीप माली ने उपस्थित कांग्रेसजनों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी, पार्षद, वरिष्ठ कार्यकर्ता और दर्जनों युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। समधड़ी तहसील में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोविड गाइडलाइन के तहत सरकारी कार्यालयों में नियमों की पालना करते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने तहसील भवन, पंचायत समिति भवन, ग्राम पंचायत में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गायन किया। वहीं बजरंग वाटिका में गादीपति नरसिंहदास महाराज के सानिध्य में आयोजित हुए ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों का साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद बजरंग वाटिका में ध्वजारोहण किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं भगवान महावीर विद्यालय में छात्र छात्राओं ने कोविड 19 की पालना को लेकर कोरोना वायरस का रूप धारण कर पुलिस थाना परिसर के आगे लोगों गुजर रहे वाहन चालकों एवं राहगीरों को पुलिस की मौजूदगी में जागरूक किया। वहीं पुलिस भी मास्क की अनिवार्यता एवं यातायात नियमों की पालना को लेकर वाहन चालकों को समझाइश करती नजर आई। इसी तरह धोरीमना उपखंड मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित हुआ, जहां उपखंड अधिकारी लाखाराम बाना ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज की सलामी ली। उपखंड अधिकारी लाखाराम ने अपने उद्बोधन में उपस्थित जनों को 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इसके साथ ही उपखंड अधिकारी ने क्षेत्र में 28 प्रतिभाओं को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कोरोना काल को देखते हुए इस बार उपखंड कार्यालय में आयोजित हुए इस समारोह में विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों को न बुलाकर कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप ही राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। उपखंड स्तरीय कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार भागीरथ विश्नोई, BDO नरेंद्र सोऊ, CI नाथू सिंह, प्रधान इंदुबाला विश्नोई, सरपंच मनोहर विश्नोई, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दिनेश कुलदीप सहित कई लोग उपस्थित रहे।